हाय फ्रेंड्स, आज हम लहसुन की चटनी बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया बनकर ये लहसुन की चटनी तैयार होती है। आप इसको राइस के साथ या चपाती के साथ खा सकते हो। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे नई नई रेसिपीज़ के लिए। चलिए हम अभी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 गड्ढी लहसुन लिया है जो कि 1 बाउल है। उसके साथ ही करी लीव्स और कुछ मैंने जिंजर लिया है। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून एक कटोरी में ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके गाढ़ी सी पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये हम जो आज की चटनी बना रहे हैं ना, वो इंस्टेंट है, इसलिए मैं ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब हम गैस ऑन करके उसमें मैंने कढ़ाई रखी है, उस पर मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो या आप नॉर्मलाइज ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने वो सारे जो लहसुन है वो उसमें डाल के अब हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर के टुकड़े जो मैंने अभी दिखाए थे वो मैंने ऐड कर दिए है, और जो करी लीव्स है वो भी उसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा भी ऐड कर देंगे और लहसुन का कलर जो है वो चेंज होने तक हम इसे ऐसे ही सोते करेंगे। कलर चेंज हो चुका है दोस्तों, तो अब हम इसे निकाल के मिक्सी के ग्राइंडर में हम इसकी एक अच्छी सी पेस्ट तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून उसमें राई हम मिक्स करेंगे। मैं राई डालना भूल गई थी, तो राई अच्छे से चटकने लगी है हमारी। तो अब हम मिक्सर के ग्राइंडर में इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हो इसी तरह से आपको पेस्ट बनानी है। अब मैं सेम पैन यूज़ करने वाली हूँ और उसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून इतना ऑयल डाला है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जो बनाया था ना अभी मसाला, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसका जो कच्चापन है वो सिर्फ जाना चाहिए, हमारा यही इंटेंशन है। और जो मैंने अभी कश्मीरी रेड चिली पाउडर का जो बनाया था ना पेस्ट, वो उसमें मिक्स करेंगे और अभी अच्छे से उसे मिक्स करेंगे जब तक कि वो थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए तब तक। बेसिकली लहसुन की जो चटनी है ना दोस्तों, ये 2 टाइप की बनाई जाती है, एक सूखी और एक गीली वाली। सूखी चटनी जो होती है वो बहुत समय तक चलती है, लेकिन इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता तक चलाएंगे और फ्रिज में रखें तो 15 से 20 दिन तक। उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा बढ़िया उसका कलर आ चुका है और उसका जो महक है वो तो बहुत अच्छी आ रही है खुशबू। तो हमारी ये चटनी तैयार है दोस्तों। अब ये जो चटनी हम बनाते हैं ना दोस्तों, तो इसे हम सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून तक ही खाना है हर दिन में, ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि लहसुन थोड़ा गर्म होता है। आप इसे दाल राइस या चपाती के साथ खा सकते हो। अगर आपने सब्जी नहीं बनाई है तो भी आप 2 टेबलस्पून तक इसे खा सकते हो डेली। तो बहुत ही बढ़िया आज की रेसिपी बनके तैयार है दोस्तों। कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और एक बड़ा सा लाइक देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो भी अपने घर पर ये चटनी बना सकते। एकदम इंस्टेंट बनने वाली चटनी है और बहुत ही ज़्यादा उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर और एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।